नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे ड्रीम गर्ल टू तथा गदर टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। पहले बात कर लेते हैं ड्रीम गर्ल टू की। ड्रीम गर्ल टू का पहले दिन का कलेक्शन 10.69 करोड़ रुपीज है। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 14.34 करोड़ की रिपोर्टिंग है मेरे पास। करीब 14 करोड़ 34 लाख का कलेक्शन आया, जबकि गदर टू का तो आपको बताया मैंने कि जबरदस्त थी। पहले और दूसरे दिन की तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन था। 40 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन गदर टू का था, 38 करोड़ के आसपास शायद पहले दिन का कलेक्शन था। तो दोस्तों दो दिनों का ड्रीम गर्ल टू का कलेक्शन हो जाता है 25.03 करोड़ रुपए इंडिया नेट। काफी अच्छे शोज है अभी। और अगर कल की बात करें तो दोस्तों कल भी फिल्म का कलेक्शन जो आया है बहुत ही जबरदस्त है। 41.40% की थिएटर ऑक्यूपेंसी थी, और मॉर्निंग की 20.71%, आफ्टरनून की 37.22%, इवनिंग शो की 47.12% और नाइट शो की 60.53%। हालांकि गदर टू की मतलब 16वें दिन भी इससे ज्यादा थिएटर ऑक्यूपेंसी थी, ड्रीम गर्ल टू से ज्यादा थिएटर ऑक्यूपेंसी थी, जो गदर टू की लोकप्रियता दर्शाता है। और जहां तक कलेक्शन की बात करें तो डेफिनेटली कल गदर टू का करीब 12.5 करोड़ के आसपास आया है, और इसका 14.5 करोड़ के आसपास आएगा, 14.5 से 14 करोड़ के आसपास। तो कल ड्रीम गर्ल टू का ज्यादा, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। और गदर के पास इस समय शो भी बहुत कम है, जैसे इसके पास करीब 710 शो है दिल्ली एनसीआर में, गदर के पास करीब 624 ही है, मुंबई में 537 शो है ड्रीम गर्ल के पास, और गदर के पास केवल 301 शो है। तो ये फर्क है, इस कारण से थोड़ा कलेक्शन ज्यादा आया कल ड्रीम गर्ल टू का। और दोस्तों जहां तक आज की बात करें ड्रीम गर्ल टू की, तो 16 करोड़ का कलेक्शन की रिपोर्ट आज है करीब करीब। दोस्तों आज ड्रीम गर्ल टू की 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग है, 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग है, जबकि गदर की एडवांस बुकिंग आज दोस्तों काफी ज्यादा है, मतलब 5 करोड़ 42 लाख की, 5.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग है गदर की। गदर ने 2,30,750 टिकट बेचे और ड्रीम गर्ल टू ने बेचे 1,50,807। अभी भी देख लीजिए हम गदर कितनी आगे चल रही है दोस्तों, कितनी आगे चल रही है, लेकिन गदर के पास शो नहीं है दोस्तों, शो नहीं है। शो थे तो 16 करोड़ इसका प्रेडिक्शन दे रहे हैं ड्रीम गर्ल टू का, इसका और गदर का दे रहे हैं 14 करोड़ का प्रेडिक्शन, 14-15 करोड़ का। तो इतनी अच्छी शो, 75,000 टिकट ज़्यादा बेची है, कम से कम भी 75,000 टिकट ज़्यादा बेची है गदर टू ने आज के लिए, और करीब करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग ज़्यादा ली है। फिर दोस्तों सपोर्ट, इससे क्या पता चल रहा है कि कहाँ सपोर्ट हो रहा है गदर टू को, न शो है न सपोर्ट है। गदर टू के पास ज़्यादा शो होने चाहिए थे, जिस प्रकार के इसके थिएटर ऑक्यूपेंसी, जिस प्रकार के इसके कलेक्शन सारे हैं, तो वो नहीं मिल रहा है दोस्तों, नहीं मिल रहा है। वो यही एक कारण है कि मतलब गदर टू आज भी मतलब ड्रीम गर्ल टू आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है गदर टू से, और यही एकमात्र कारण है, शो का ही एकमात्र कारण, और कोई कारण नहीं है। तो ड्रीम गर्ल टू का 3 दिनों का कलेक्शन 41 करोड़ रुपये हो जाएगा, और फिल्म अपना बजट लगभग कवर करने के नज़दीक पहुंच चुकी है, 50 करोड़ के आसपास फिल्म का बजट है। तो डेफिनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली है। और गदर टू का आज का मैंने बताया 16 करोड़ रुपए, कल तक का 438.49 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो गया था, आज अगर 14-15 करोड़ माने तो 453 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्शन गदर टू का 17 दिनों का हो जाएगा। तो अब ये बात है दोस्तों कुल मिलाकर के, आपको सारी बातें मैंने बता दी, सारी बातें समझा दी, अब आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन सी फिल्म ज़्यादा बड़ी है। मेरे हिसाब से तो गदर टू के सामने ड्रीम गर्ल टू कुछ नहीं है, एडवांस फिल्म भी ज़्यादा है, और जो कलेक्शन भी इतने माइंड ब्लोइंग आ रहे हैं, केवल शो कम है, इस कारण से फिल्म मतलब आज कलेक्शन कम आ सकता है गदर टू का, कल भी इसीलिए कम आया शो के कारण। तो बॉलीवुड का सपोर्ट नहीं मिल रहा, मेरे को करना पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। और दूसरी एक कारण और, ड्रीम गर्ल टू की जो एवरेज टिकट प्राइस है बहुत ज़्यादा है, जबकि गदर टू की एवरेज टिकट प्राइस भी बहुत कम है। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गदर टू के ऑफिशियल कलेक्शन के साथ और आज की क्या रिपोर्ट है उसके साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय बोलेनाथ।